वेबसाइट एंड वेब पेज दोनों का ही नाम आपने ज़रूर सुना होगा यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है ये वेबसाइट या वेब पेज क्या कहलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेब पेजेस और वेबसाइट क्या कहलाती है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है साथ ही में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के वेब पेजेस को चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं वेबसाइट क्या कहलाती है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाई अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिस्ड ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं आपको एक इमेज दिख रही है ये मेरी वेबसाइट है सी बी एस ई सी एस आई पी डॉट इन तो वेबसाइट कलेक्शन होता है डिफरेंट वेब पेजेस का और रिलेटेड कंटेंट का रिलेटेड कंटेंट में ऑडियो वीडियो इमेजेस आ जाती हैं और वेब पेजेस में इस वेबसाइट में जो डिफ़रेंट इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट डिफ़रेंट पेजेस हैं उनको बोलते हैं चलिए हम वेब ब्राउज़र में चलते हैं और इस वेबसाइट को ओपन करके वेबसाइट को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मैं ओपन करूँगा सी को तो आपके सामने जो वेबसाइट आएगी वो है सी इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जैसे कि यदि मैं यहाँ मेन्यू में ऊपर जाता हूँ और वीडियो कंटेंट में जाता हूँ या वीडियो लेक्चर्स में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे यदि मैं क्लास ट्वेल्थ आई पर जाता हूँ तो यहाँ पर एक वेब पेज ओपन होगा जिसमें क्लास ट्वेल्थ आई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट है तो ये एक वेब पेज है जहाँ पर आपको क्लास ट्वेल्थ आई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सिमिलरली यदि मैं अदर वीडियो लेक्चर्स पर जाऊं क्लास ट्वेल्थ सी एस पर तो यहां पर आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट मिल जाएगी ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट यहां पर अवेलेबल है आप स्टडी मटेरियल्स पर जा सकते हैं तो क्लास वाइज स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे यानी कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर अवेलेबल है तो एक वेब पेज या एक पेज जिसको मैं ब्राउज़र में अभी देख रहा हूँ ये एक वेब पेज कहलाता है और ऐसे डिफरेंट वेब पेजेस को कलेक्ट जब हम करके एक सर्वर पर जिसको वेब सर्वर बोलते हैं उस पर रख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेबसाइट तो अब आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का साथ ही में रिलेटेड कंटेंट का जिसमें ऑडियो वीडियो या इमेजेस आ जाती हैं जिसको हम कॉमन डोमेन नेम से आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि सी बी एस ई सी एस आई पी डॉट इन से और उसको हम एटलीस्ट वन वेब सर्वर पर पब्लिश करते हैं या उसको आप किसी वेब सर्वर पर होस्ट करते हैं एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सी बी एस ई सी एस आई पी डॉट इन विकीपीडिया डॉट ओ आर जी गूगल डॉट कॉम एंड अमेजन डॉट कॉम ऐसे कई अदर वेबसाइट्स भी हैं ये सारे डोमेन नेम कहलाते हैं और जब आप इन पर क्लिक कर कर इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो एक वेबसाइट ओपन होती है जो कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है ऐसी डिफरेंट पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं और इनको कलेक्टिवली ही वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स होती हैं और एक लिंक पर क्लिक कर कर आप दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं अब हम बात करेंगे वेब पेजेस क्या कहलाते हैं अभी हमने डिस्कस किया था वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट होता है और एक पेज जो आप ब्राउज़र पर देखते हैं उसको ही वेब पेज बोलते हैं तो वेब पेज इज़ अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट एंड डिस्प्ले टू अ यूज़र इन वेब ब्राउज़र तो अभी हमने देखा था वेब ब्राउज़र यहाँ पर जो एक पेज आपको दिख रहा है ये एक वेब पेज है यदि किसी भी मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ तो एक दूसरा पेज ओपन होता है जिसको हम दूसरा वेब पेज कह सकते हैं ये एक अगेन वेब पेज ओपन हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो किसी एक पेज को हम वेब पेज बोलते हैं वेब पेज मेनली एस टी एम एल में लिखे रहते हैं लेकिन कई वेब पेजेस जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और सी एस एस में भी लिखे होते हैं एस टी एम एल में जो वेब पेज रहते हैं उनको हम स्टैटिक वेब पेज बोलते हैं और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज हम यूज़ कर डायनेमिक वेब पेजेस बना लेते हैं अब यहाँ पर आपका डाउट होगा कि स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज क्या कहलाते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के वेब पेज को तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस पहला है स्टैटिक वेब पेज दूसरा है डायनेमिक वेब पेज स्टैटिक वेब पेज आपके वेब ब्राउजर में वैसा ही ओपन होता है जैसा कि वो वेब सर्वर पर स्टोर्ड है साथ ही में डिफरेंट डिफरेंट यूजर यदि सेम वेब पेज को ओपन करते हैं तो उनको सेम कंटेंट ही दिखता है जैसे यदि मैं बात करूं किसी एग्जाम्पल की तो विकीपीडिया एक स्टैटिक वेब पेज का एग्जाम्पल है यदि मैं विकीपीडिया वेबसाइट ओपन करूं और यहां पर एक वेब पेज ओपन करूं तो ये विकीपीडिया का वेब पेज है यहां पर आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन दिख सकती है यदि आप भी यही पेज विकिपीडिया का ओपन करेंगे तो आपको भी सिमिलर इन्फॉर्मेशन दिखेगी यदि मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये कंटेंट चेंज नहीं होगा और सिमिलर कंटेंट ही दोबारा आएगा तो आप देख सकते हैं अगेन रिफ्रेश हो चुका है पेज और सिमिलर कंटेंट है यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं यानी कि ये स्टैटिक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है इसलिए हम इसको स्टैटिक वेब पेज बोल सकते हैं दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज डायनेमिक वेब पेज एवरी टाइम जब आप किसी यू को ओपन करते हैं या किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो वेब एप्लीकेशन जो कि वेब सर्वर पर रन होती है वो एवरी टाइम नए वेब पेज को बनाती है और आप तक भेजती है यानी कि यदि डिफरेंट डिफरेंट लोग सिमिलर वेब पेज को ओपन करेंगे तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलेगा द कंटेंट एंड लेआउट ऑफ dynamic वेब पेज changes ड्यूरिंग द रन टाइम तो रन टाइम पर ये चेंज होता है इसका example है YouTube। यदि मैं YouTube.com को ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ वीडियोज़ दिखेंगी यदि आप भी YouTube को ओपन करते हैं तो आपको भी कुछ वीडियोस दिखेंगी और हो सकता है कि आपको डिफरेंट वीडियोस यहाँ पर दिखें अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे अगेन वीडियोस दिखेंगी लेकिन अभी जो वीडियोस दिख रही थी उससे डिफरेंट वीडियोस अब मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगी इसलिए ये सिमिलर वेब पेज डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट दिखा रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इसलिए हम इसको बोलेंगे डायनेमिक वेब पेज तो ये था स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज तो यहाँ पर हमने सीखा कि वेबसाइट क्या कहलाती है और वेब पेज क्या कहलाते हैं वेब पेजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस हैं आई होप आपको ये सब समझ आया होगा यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और डिस्कस करेंगे थैंक यू